अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर हम गुरु पे आफ्ताब का नजारा कर रहे हैं। सूरज गुरु हो रहा है, सन सेट हो रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजारा है, बहुत खूबसूरत नजारा है। तो अक्सर आपने शाम के वक्त और सुबह के वक्त देखा होगा कि जब सूरज गुरूब होता है और जब सूरज तुलू होता है तो आसमान हमको सुर्ख नजर आता है, रेड नजर आता है। इसकी क्या वजह है, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर चंद ऑप्शन पेश करता हूँ, आप इस पर गौर कीजिए। क्या ये इनेका से नूर है? क्या ये इनेताफ नूर है? क्या ये इनकेसार नूर है? क्या ये इंतशार नूर है? डियर स्टूडेंट्स, क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है? क्या ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है? क्या ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है? क्या ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है? तो बताइए इसका जवाब क्या है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हाँ इसका जवाब है इंतशार नूर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान हमको सुर्ख नज़र आता है। कि इंतशार नूर किसे कहते हैं, अब हम समझेंगे कि इंतशार नूर कैसे वाक़ होता है। अजीज तलबा और तालिबात, जब सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है तो जमीन से सूरज का फासला बहुत दूर हो जाता है, यानी सूरज की श्वाएं बहुत तवील फासला तय करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी सूरज की श्वाएं बहुत तवील फासला तय करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। और सूरज की रोशनी में 7 रंग मौजूद होते हैं जिन्हें विग्गयर कहा जाता है। सूरज की रोशनी में 7 रंग मौजूद होते हैं जिन्हें विग्गयर कहा जाता है। और उन 7 रंग में 6 रंग जो बहुत दूर का फासला तय करते हुए हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो मुंतशिर हो जाते हैं, वो मुनहरिफ हो जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, और एक ही रंग हमारी आंखों तक डायरेक्ट पहुंचता है, वो है सुर्ख रंग, वो है रेड कलर। हमारी आंखों तक डायरेक्ट पहुंचता है, दूसरे रंग हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते तुलुए आफ्ताब और गुरुबे आफ्ताब के वक्त। यही है इंतशार नूर, जिसकी वजह से सूरज जब तुलू होता है और सूरज जब गुरूब होता है आसमान हमको सुर्ख नजर आता है, रेड नजर आता है। इसी को कहते हैं इंतशार नूर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसी को। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह के वीडियोस आगे हम आपको पेश करते रहेंगे जो साइंसी हकायक पर मुनसिर हैं। तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।